ये बताएं कि आज की जो विडंबना चल रही है एक वाद के नाम से, ब्राह्मणवाद या मनुवाद जो है, ये क्या भला इसको, ये हमारे जो लोग कहते हैं कि मंचों के बहुत बड़े मंचों से कि महिला को सुधरना चाहिए, आज महिला प्रोफेशन है, तो कहाँ तक सुधरेंगी महिलाएँ? पहली बात तो महिलाओं के सुधरने की बात है ही नहीं। वो 21वीं सदी आ जाए, 22वीं आ जाए, 23वीं आ जाए, वो सामाजिक न्याय की बात स्त्री के लिए भी होगी और दलित समाज के लिए भी होगी। और हमारे दलित समाज में भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो पूरी की पूरी तरह ब्राह्मणवादी सोच के साथ लबालब भरे हुए हैं। और यहाँ तक कि मुझे विडंबना ये लगती है कि वो लिखते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन अपने घर में जाकर महिलाओं के करवा चौथ का व्रत तुड़वाते हैं, कंचक की पूजा करवाते हैं, और हवाला क्या हम देते हैं प्रश्न करने पर कि हमने उनका मन रख लिया। व्हाट मन? मन क्या होता है? अगर आप 90% उनकी बात मानते हैं तो आप 10% अपने बीबी, अपने बच्चों, अपने पति के दिमाग में बाबा साहब के अगर विचारधारा का राई के बराबर भी एक अंश पैदा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो है वो बाबा साहब को होगी। डॉक्टर नीलम जी, जैसे कि अभी आपने करवा चौथ की बात की कि एक मार्केट में जाके एक फोटो 10 रुपये का ले आए या 10 रुपये का आजकल मट्टी का बना हुआ एक वो ले आते हैं, तो महिलाएं उनसे ही अपने पति की कामना करती हैं, वो करवा चौथ मैया, ये मेरे पति की उम्र इतनी बढ़िया वो बढ़ जाए, एक कागज़ की मूर्ति और एक मट्टी का बना हुआ मटका, क्या ये उम्र बढ़ा देगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर ये इस मिट्टी की मूर्त की जगह जो पूजा करती हैं, अगर वो संविधान को पढ़ें और बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, तो उनके पति की समण समाज की तो हम बात छोड़ ही दें, जिन महिलाओं की लड़ाई चल रही है 33% आरक्षण की, शायद उन महिलाओं को ही ये नहीं पता कि आज ये जो लड़ाई लड़ रही हैं, अगर बाबा साहब अंबेडकर की सारी बातों को पहले ही मान लिया गया होता तो आज इस 33% महिला आरक्षण की बात कोई ना कर रहा होता, क्योंकि बाबा साहब बहुत पहले ही हिंदू बिल कोड लेकर आए थे, जैसा कि सबको पता है। और जब वो हिंदू बिल कोड लेकर आते हैं और सारी बात बताते हैं कि महिलाओं को किस तरह से समानता का अधिकार होना चाहिए, दलितों के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी समानता की बात की, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी ने जब ये कहा, एक स्त्री होकर मुझे बहुत बड़ी विडंबना लगती है कि एक स्त्री होकर जब ये कहती हैं कि क्या अछूत जो है वो हमें बताएंगे कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पर मुझे बहुत शर्म आती है और बेईमानी सारी चीज़ें लगती हैं कि अगर कोई आपकी बात कर रहा है, आपको स्वतंत्रता दिलाने की बात कर रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए वो बात कर रहे हैं, बल्कि वो उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर महिला सिर्फ दलित और सवर्ण के आधार पर उसको खारिज करती हैं। मुझे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के अंदर ब्राह्मणवादी सोच ज़्यादा निर्मित है। पुरुष तो कुछ कम भी हैं, क्योंकि पूजा पाठ धर्म, मुझे लगता है कि सारे धर्म का ठेका महिलाओं ने ही ले रखा है, और उनको अपनी नैया ज़्यादा डूबते हुए नज़र आती है। हालांकि ये पुरुषवादी मानसिकता ही है, ये पुरुषवादी सोच ही है, हमें इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए और नए सिरे से इन सब पर विचार करना चाहिए, और गहन विचार की ज़रूरत है हमें। महिलाओं से, जो पढ़ी लिखी महिला हैं या जो अनपढ़ महिला हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगी जो उनका एक भविष्य, उनका परिवार सोचे? मैं उनसे यही अपील करूंगी कि हम मनुष्य हैं, हमें आप किसी भी लिंग भेद में ना बांटिए, ना हमें आप जाति भेद में बांटिए और ना हमें आप लिंग भेद में बांटिए। जब आप हमें लिंग या जाति के आधार पर बांट देते हैं तो वहीं से शोषण की परंपरा शुरू हो जाती है, और शोषण की परंपरा से अगर मुक्त होना है तो मैं अपनी महिलाओं से, बहनों से, माताओं से, चाहे वो पढ़ी लिखी हों, सखियों से, चाहे वो अनपढ़ हों, ये अनुरोध जरूर करूँगी कि वो ये ज़रूर सोचे कि हमारा शोषण कहाँ पर हो रहा है, अपने उस शोषण को समझें, और किचन के दायरे के साथ साथ हम लोगों की और बहुत बड़ी भूमिका है जो हमें अपने समाज को देना है। और मुझे बाबा साहब की एक बात बहुत याद आ रही है और मैं यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि बाबा साहब यही कहते थे कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी
तब तक एक अच्छे समाज की परिकल्पना जो है वो करना मुश्किल है। तो एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश के निर्माण के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षित कहने का मेरा तात्पर्य शिक्षित, क्योंकि शिक्षित हमारे घर हमारे यहाँ की महिलाएं साक्षर हो गई हैं, पर माफ करिएगा कि वो शिक्षित नहीं हुई हैं। शिक्षित का मतलब होता है विवेकशील, कि जहाँ उनका विवेक हो, उनके अपने विचार हों, वो ये समझती हों कि ये गलत हो रहा है। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तब तक साक्षर बनने से कोई भी काम नहीं बनेगा, और वो सीता और सावित्री ही बनकर अपनी कुर्बानी देती रहेंगी। आपने डॉक्टर नीलम सिंह बाबा साहब को बहुत, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा है और बाबा साहब को पढ़ भी रहे हैं। और बाबा एक किसी कवि ने कहा था कि वो ये शिक्षा तो एक ऐसा शेरनी का दूध है, जितना इसे पिएगा उतना ही धाड़ेगा। वही जो नीलम जी हैं, जो इनको ये वीरांगना के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया और अच्छे शब्दों में महिलाओं से अपील की है, स्टूडेंटों से अपील की है कि एजुकेशन में, शिक्षा में सबसे आगे आएँ, और उनका उसी से उद्धार होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल करोड़ीमल कॉलेज से।